चाहे रहे ना रहे, मैंने तुझे वादा किया था कि मैं खड़ी रहूंगी। टेंशन मत ले, तुझे कसम है, रो मत। मुझे वो चीज याद आ गई, खुदा। नहीं रो राखी, छोड़ दे, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। रो मत कर। शैली जी, क्या ये सच है कि आदिल अब्बास जी का ड्राइवर था? आपने भी उनसे मुंह से सुना ही होगा, मेरे बताने से अगर ऐसा मुझे लगे। पता नहीं था वो अब्बास जी का ड्राइवर है, मुझे अभी अब्बास जी ने बताया कि वो मेरा ड्राइवर है और अभी यहाँ पे घर देखने आई तो वो झोपड़पट्टी में रहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गरीबों से, लेकिन सच बोलना चाहिए था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आदिल ने, ओ खुदा। दोस्तों शेयर करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर। राखी सावंत रो रही हैं और आज उन्होंने रिवील किया है कि जैसे वो मैसूर में पहुंची आदिल दुरानी के घर पे, तो उनको पता चला है कि अब्बास साहब के ड्राइवर रह चुके हैं आदिल दुरानी। जी हां दोस्तों, शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत एक साथ मौजूद हैं और ऐसे में जब आदिल दुरानी के घर का विजिट किया गया है तो वो घर बिल्कुल बंद, उसको लॉक लगा के आदिल दुरानी की फैमिली वहां से फरार हो चुकी थी। और आज राखी ने रोते हुए कहा है कि आदिल दुरानी के बारे में मुझे पता चल चुका है कि वो अब्बास साहब का ड्राइवर था। बोल दोस्तों, यहां पर रोते हुए राखी सावंत ने भी कहा कि मुझे पेन इस चीज की नहीं है कि वो गरीब था, गरीब भी इंसान होते हैं, लेकिन उसको मुझे चीट नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से रह पी रही थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी, तो उसको चाहिए था कि मेरी इन ख्वाहिशात का एहतराम करता और मेरे साथ अच्छी जिंदगी बसर करता। मैं ये बात किसी के सामने ना लेकर आती और ना आज खुद रुसवा होती ना उसको रुसवा होने देती। अब उसके बारे में जो जो सच्चाइयां निकलकर सामने आ रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगी। यहां पर शर्लिन चोपड़ा और उनकी दोस्त उनको तसल्ली देती हैं। यहां पर शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत के उस दोस्त से बात करते हैं और उसे पूछने कि आपको पता था इससे पहले कि अब्बास साहब के ड्राइवर हैं आदिल? तो ये बात सुनने के बाद वो कहती हैं कि जो आपने सुना वही मैंने भी सुना है, मैं अब मजीद क्या कह सकती हूँ। वेल दोस्तों, नेटिजंस का यहां पर मानना है कि अभी सारी बातें क्यों खुल के सामने आ रही राखी सावंत के? क्या इससे पहले राखी सावंत को तल्ख तजुर्बात नहीं हुए थे जिंदगी के? क्या उनकी बिना पर राखी सावंत का पूछ पड़ताल करवाना नहीं बनता था आदिल के बारे में? और अब वो जो नन्नी बच्ची बन रही है राखी की दोस्त, जिन्होंने आदिल के साथ उनकी मुलाकात करवाई, क्या वो ये सब कुछ नहीं जानती थी? अब ही सारी बातें और सारे खुलासे खुलकर क्यों सामने आ रहे हैं? बोल दोस्तों, आप बताएं कि इस केस से जुड़ी हर खबर को जानने के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आदिल दुरानी के बारे में राखी सबको बेवकूफ बना रही हैं या वाकई खुद बेवकूफ बनी हैं? कमेंट सेक्शन आपका मुंतजिर आए और अपनी राय का कीजिए इजहार। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो स्टे कनेक्टेड।